आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 10 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिनको आपने आपके पोर्टफोलियो में जरा भी जगह नहीं देनी चाहिए। इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इनमें से जल्द निकल जाना ही एक समझदारी का सौदा साबित हो सकता है। अभी मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वर्सेटाइल गुरुजी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट हैव ए क्विक लुक एट इट, देख लेते कि जो मैंने रिसेंटली कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन किए थे आज उसका क्या हाल है। मैंने मेरे 16 अगस्त के इस वीडियो में मनक्सिया को 78 पे रिकमेंड किया था जो 89 का टॉप छूकर आया। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को 89 पे रिकमेंड किया था जो अभी 98 रुपीज चल रहा है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट को मैंने 98 के आसपास रिकमेंड किया था जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस लगभग 108 के आसपास है। तो ये सारे के सारे स्टॉक में 10% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, आई होप आपने इसमें से एग्जिट कर लिया होगा क्योंकि मार्केट काफी वोलाटाइल है और यहाँ पे एक करेक्शन आने की संभावना मुझे लग रही है। मैंने पिछले कुछ रिसेंट वीडियोस में बजाज होल्डिंग को 4800 पे रिकमेंड किया था जो अभी 7100 पे ट्रेड कर रहा है। स्टाइलम इंडस्ट्रीज को मैंने 857 पे रिकमेंड किया था जो लगभग 1107 पे चल रहा है। वेदांता को 240 पे रिकमेंड किया था, अभी 310 चल रहा है। एचएल को मैंने 1200 और 1794 को रिकमेंड किया था जो अभी 2610 रुपया चल रहा है। माजगांव डॉक को मैंने 296 पे रिकमेंड किया था जो अभी 418 रुपीज चल रहा है। बीएसएफ को मैंने 2676 पे रिकमेंड किया था जो अभी 3163 रुपीज चल रहा है। दोस्तों, ऐसे ही अनेकों स्टॉक मैंने पिछले कुछ वीडियोस में रिकमेंड किए हैं और साथ ही साथ मैंने शेयर किया है रिकमेंडेड बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्टॉक रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों, अभी मैंने मेरे 4 सितंबर के इस वीडियो में कोल इंडिया, रेल विकास निगम और एनएलसी इंडिया को रिकमेंड किया है और इसका कॉल अभी ओपन है। मार्केट वोलेटिलिटी के चलते अगर आपको इन तीनों स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखेगा तो मैंने मेरे वीडियो में जो भी बाइंग लेवल्स आपको है वो बाइंग लेवल्स पे आप इन स्टॉक को एवरेजिंग करके एक्युमुलेट कर सकते हो। दोस्तों, और हर वीक में ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड वीडियोस को पब्लिश करता हूं तो आप इसे देखना ना भूले। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सबसे प्रिलिमिनरी उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना और ये प्रॉफिट दो तरीके से आ सकता है। एक है मार्केट में स्टॉक का मूवमेंट और दूसरा है डिविडेंड में से कमाई। दोस्तों, लेकिन आज का ये मार्केट पुराने मार्केट की तरह नहीं रहा और मेरी एनालिसिस ये कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट सिनेरियो में एक अंधश्रद्धा है कि जब भी करेक्शन आता है और स्टॉक नीचे का वैल्यूएशन दिखाता है तो वहां से वो अपना पहले वाले वैल्यूएशन को रिगेन करने में बहुत बार कामयाब नहीं हो रहे। तो दोस्तों, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है इट्स लाइक T20 मैच की तरह है। सो T20 मैच इज गेटिंग प्रीफर्ड ओवर टेस्ट एंड 50 ओवर मैच। तो दोस्तों, आज की तारीख में हमारी स्ट्रेटेजी भी यही होनी चाहिए कि अगर आपको मार्केट में शॉर्ट टर्म में 10-15% का प्रॉफिट मिलता है तो उसको लेके हम एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। अगर किसी का नजरिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर होता है जो बेहतर तरीके से हमारे फंड को मैनेज करता है और कंटिन्यूसली स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में बाय एंड सेल करते रहते हैं क्योंकि फंड मैनेजर्स भी जानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत समय तक इन्वेस्टेड रहना भी एक फायदे का सौदा नहीं है तो कंटिन्यूसली पोर्टफोलियो को चेंजेस करते रहते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे म्यूचुअल फंड रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लीज कमेंट करके बताना आपको उनमें से कौन सा वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों, यहां पर और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारी वेल नोन कंपनीज है जैसे कि इंफोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, इनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग लास्ट 3 साल से वही पे होवर कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचता है तो 3 साल के पीरियड में उसको कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात करोगे तो इन्हीं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा प्राइस का मोमेंटम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग एंड
एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ये स्टॉक्स क्रिएट करते हैं। और मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट गिरने के बाद एक डाउन लेवल हासिल करते हैं लेकिन वापिस से अपना पहले वाला लेवल रिगेन नहीं कर पाते और ऐसे में एक इन्वेस्टर की वेल्थ ब्लॉक हो जाती है। सो समय समय पर ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो से उसको निकाल देना ही एक समझदारी का सौदा है। और दोस्तों ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आपको इन्फॉर्म करूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें से हमें आज की तारीख में एग्जिट करना चाहिए। दोस्तों मेरी इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक आ रहा है वो है जोमैटो। तो अभी आप स्क्रीन पे जो ग्राफ देख पा रहे हो तो यहाँ पे जब ये स्टॉक 130-132 के आसपास चल रहा था एक वैल्यू मोमेंटम ट्रैप बना हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा था कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, लेकिन मुझे इस स्टॉक के वैल्यूएशन पहले से ठीक नहीं लग रहे थे और मैंने मेरी 14 जनवरी की वीडियो में कहा था कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत गिरेगा। करंटली ये 63 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी एक वैल्यू ट्रैप बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये स्टॉक 30 से 35 रुपए के ऊपर के भाव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रिस्क बनी हुई है और ये स्टॉक नीचे की तरफ भी जा सकता है। मेरी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद अ करंट मार्केट कैप ऑफ अबाउट 1800 करोड़ दोस्तों, लेकिन इसका पीई बहुत हायर साइड में है जो कि लगभग 100 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत महंगे वैल्यूएशन है। तो अगर आप इसको चार्ट पैटर्न पर भी देखो तो यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एग्रोटेक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप सोच सकते हो इसमें से एग्जिट करने का। मेरी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यहाँ पर आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो जो लगभग 4,36,000 करोड़ के भी ऊपर चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 16.22 है तो मार्केट के लिहाज से ये बहुत महंगा वैल्यूएशन है। यहाँ पे इसका पीई भी 448 है। दोस्तों सेंसेक्स एंड निफ्टी में जो भी कंपनीज है उसका एवरेज पीई रेशियो लगभग 40 के आसपास रहता है तो उस लिहाज से ये बहुत महंगे वैल्यूएशंस है। तो दोस्तों क्या आप 1 रुपया पर शेयर अर्निंग करने के लिए 448 रुपीज पे करोगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत कम समय में ये कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ चुका है जो लगभग 3734 के आसपास चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक बड़े करेक्शन आने की उम्मीद लग रही है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का फेयर वैल्यूएशन 1500 के आसपास होना चाहिए। दोस्तों आप भी अच्छे से सोच समझ के इसमें डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है रामको सीमेंट्स। पी और पीबी रेशियो के हिसाब से इसके वैल्यूएशंस ठीक ठाक है लेकिन फाइनेंशियल्स काफी वीक है दोस्तों इस कंपनी के। दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी मुझे करेक्शन आने की उम्मीद लग रही है और ये स्टॉक अपने करंट लेवल से 300-350 की लेवल तक भी फॉल हो सकता है। दोस्तों मेरे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। जो करंट मार्केट कैपिटल लगभग 22,900 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा महंगा है जो 12 के ऊपर है। पी रेशियो भी 81 के ऊपर है तो उस लिहाज से ये काफी महंगे वैल्यूएशंस पे करंट प्राइस पे चल रहा है। सो विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अबाउट 4700 के हिसाब से मुझे ये स्टॉक काफी महंगा लग रहा है। दोस्तों चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको लग सकता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महंगे वैल्यूएशंस के चलते यहाँ पे एक करेक्शन की संभावना बनी हुई है। तो बेहतर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है उसकी वजह से आप अगर ये स्टॉक में से निकल सकते हो तो आपके लिए ये अच्छा विकल्प होगा। दोस्तों मेरे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है ग्लैंड फार्मा। इसका पी एंड पीबी रेशियो ठीक ठाक है लेकिन ये स्टॉक काफी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है और यही ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना मुझे यहाँ पे लग रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1200 से 1300 के लेवल तक भी गिर सकता है तो यहाँ पे आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। मेरी इस लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है लुपिन। आप सब लोगों को पता ही है कि लुपिन काफी लंबे समय से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लगातार करेक्शन की संभावना बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 350 से 400 के लेवल को भी छू सकता है। मेरी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है ट्रेंड लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है लेकिन प्राइस टू बुक और पी के हिसाब से मुझे ये काफी महंगा स्टॉक लग रहा है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो लग रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पे एक लगातार करेक्शन की संभावना बनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का जो फेयर वैल्यूएशन है दैट शुड बी समवेयर अराउंड 600 to 650। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है तो आप सोच समझ कर आपका डिसीजन ले। दोस्तों मेरे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट।
इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है लगभग 211 के आसपास है। उस हिसाब से करंट मार्केट प्राइस जो 4422 है वो बहुत ही महंगा लग रहा है। इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है 20 के ऊपर है और इसका जो पी है लगभग 140 के आसपास है। सो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी सिंगल रूपी अर्न बाय दिस कंपनी वी आर पेइंग 137 रुपीज एक्स्ट्रा टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ अबाउट 4422। तो मेरे हिसाब से ये काफी महंगा वैल्यूएशन है। दोस्तों ये स्टॉक मुझे चार्ट पैटर्न पे भी वीक नजर आ रहा है और पिछले कुछ समय से स्टॉक साइडवेज में ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे निरंतर एक करेक्शन की संभावना बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक आपको 1500 से 1700 के आसपास अगर मिलता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह दूंगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे ये बहुत ही महंगा वैल्यूएशन है और करेक्शन की संभावना बनी हुई है, तो आप इसमें सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों मेरी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है पीडीलाइट लिमिटेड और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 2849 रुपीज चल रहा है। इसका पीबी रेशियो और पी रेशियो अगर आप देखोगे तो ये काफी महंगा स्टॉक लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसका करंट चार्ट पैटर्न देखोगे यहाँ पे निरंतर एक करेक्शन होने की संभावना मुझे लग रही है, तो आप सोच समझ के ही डिसीजन लेना। तो दोस्तों आई होप आज की इस एजुकेशन वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी जो आपको बेहतर डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। तो आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि दर्शक अपने विवेक से काम ले।